सारे पार्ट्स देख लेते हैं तो इस आ, वीडियो में हमने देख लिया कि हम क्या क्या चीजें देखेंगे जस्ट आई हैव इन सिंगल पेज। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। Here we go. Uh, ये आपका जस्ट uh, एक अपना रफ आईडिया के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ये है आपकी बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव ये आपका करंट ये आपका पॉइंट ए ये आपका रेसिस्टर ये आपका मिड पॉइंट सी जिसको हमने ग्राउंड किया ग्राउंड में हमेशा सिर्फ तीन डंडे होते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा उसके बाद सबसे छोटा ठीक है ये होता है सी सी uh, पॉइंट जो इसने कहा कि हमने ग्राउंड कर दिया ये आपका है बी पॉइंट और इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया एल पॉइंट से और ये एल पॉइंट आपका नेगेटिव साइड और बैटरी से कनेक्ट हो गया ठीक है ये है आपकी एरो से हमने दिखा दी करंट की डायरेक्शन ठीक है अब चूँकि डायग्राम में ऑलरेडी आपको करंट की डायरेक्शन दे रखी है तो हम ऐसे भी बता ही सकते थे इस रेसिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है सिक्स ओम है अब चूंकि ग्राउंड कर दिया तो पोटेंशियल एट सी कितनी है जीरो है इस बैटरी की टोटल वोल्टेज कितनी है कितनी वोल्टेज वोल्ट की बैटरी है ये ट्वेल्व वोल्ट की बैटरी है तो सबसे पहले हमें वी ए निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी कि विद रेस्पेक्ट टू सी अब वो आप कैसे निकालेंगे इट्स वेरी सिंपल अः uh, yeah, चूंकि पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो बीच में कुछ और कनेक्टेड तो है नहीं ए और सी के बीच में है ना तो क्या कनेक्टेड है सिर्फ एक ये रेसिस्टेंस कनेक्टेड है इसकी रेसिस्टेंस कितनी है थ्री ओम ठीक है अब नॉर्मल फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करेंगे रेसिस्टेंस आपके पास है ठीक है वोल्टेज आपके पास है ठीक है आपको क्या करना है सॉरी रेसिस्टेंस आपके पास है आपको क्या करना है आपको वोल्टेज बताना है एट ए ठीक है तो इट्स वेरी वेरी सिंपल हाउ यू आर गोइंग टू डू इट सबसे पहले आप क्या करेंगे आ, यहां पे लिखेंगे आर ए सी यानी रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल्स टू थ्री थ्री ओम ठीक है कैसे रखोगे इज इक्वल्स टू थ्री ओम ठीक है उससे पहले आपको क्या करना है आपको ये देखना है कि करंट कितना फ्लो होके इस पूरे रेसिस्टेंस के अंदर जा रहा है तो करंट कैसे आप कैलकुलेट करते हैं आप जानते हैं कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई विच मीन्स वी इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगी वोल्टेज कितनी है कितने वोल्ट की बैटरी है आपकी बारह वोल्ट की है क्योंकि हम पूरे सर्किट में करंट देख रहे हैं ठीक है ना जो आपका ये रेसिस्टेंस है वो कितना है सिक्स ओम है आई आपका बच गया तो आई इज इक्वल्स टू हो गया आपका वन कहाँ चला गया ट्वेल्व बाई सिक्स विच इज इक्वल टू टू यानी कि टू एम पीयर का करेंट है तो करंट कितना आ गया आपका टू एम पीयर वोल्टेज ड्रॉप आपको कहाँ निकालना है ए एंड सी के बीच में निकालना है क्योंकि वोल्टेज एट ए विद रेस्पेक्ट टू सी आना है या फिर ए और सी के बीच में निकालना है बात ए की बात है ठीक है तो वोल्टेज बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से आर इन टू आई ठीक है आर कितनी है वहाँ पे आर आर ए सी कितना है आपका थ्री ओम है।, आ, करंट कितना जा रहा है यहाँ पे कहीं और तो करंट के जाने का रास्ता है नहीं तो ए से सी के बीच में करंट कितना जा रहा है? करंट जा रहा रहा है है करंट आपका टू एमपियर ठीक है तो थ्री ओम टू एम्पियर तो ये आपका इक्वल टू हो गया सिक्स वोल्ट ठीक है तो ये आपका कितना आ गया सिक्स वोल्ट यानी कि ए पे जो वोल्टेज है वो कितनी है आपकी सिक्स वोल्ट है अब चूंकि ये पॉजिटिव साइड पर कनेक्टेड है और चूंकि ये जीरो के ऊपर भी है और जीरो को हमने रेफरेंस मतलब इसको सी पॉइंट को हमने रेफरेंस मान रखा है इज आपकी जीरो पोटेंशियल तो ये कितना हो गया आपका वोल्ट ठीक है यही फैशन में हम क्या करेंगे नीचे वाले हिस्से में भी हम वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि इसने हमें वी बी भी कैलकुलेट करने को कहा था ठीक है तो वी बी को अब हम लोग देख लेते हैं वी बी कैसे कैलकुलेट करेंगे इन सिमिलर वे वी बी सी Is to, वहाँ पे भी resistance कितनी है 3 ohm. Current कहीं और तो जा नहीं रहा ठीक है ना करंट भी वहाँ पे इतना ही होगा तो ये आपका आ गया 2 ampere, तो equal to हो गया तो हो लेकिन ये reference point के दूसरी साइड है तो इट टू बी नेगेटिव तो इट हैज भी माइनस सिक्स वोल्ट अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि भाई ये तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे प्लस सिक्स वोल्ट है यहाँ पे माइनस सिक्स वोल्ट है और ये आपकी ट्वेल्व वोल्ट की बैटरी है तो ये वाली आपकी पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है ए पॉइंट और ये जो नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है ये आपका बी पॉइंट है तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए ट्वेल्व वोल्ट क्यों क्योंकि यहाँ से हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका ट्वेल्व वोल्ट होना चाहिए तो ये कैसे होगा वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी ठीक है तो इट इक्वल्स टू उट टू बी ट्वेल्व वोल्ट ठीक है तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन uh, आपका था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिट्वीन ए एंड बी तो वो मैंने आपका यहाँ पे निकलवा दिया विच इज वी ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे आपका ट्वेल्व वोल्ट राइट सो इट हैज टू बी ट्वेल्व वोल्ट एंड इट हैज कम एज ट्वेल्व वोल्ट ठीक है उसके बाद इसने पूछा है कि वट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोर्शन सी बी तो आप करंट आपको बताना है कि सी से बी के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है तो वो बताने के लिए यानी कि आई सी बी ये आप कैसे बताएंगे इस फॉर्मूले से देखेंगे आप यहाँ पे आई इक्वल्स टू वी बाय आर इक्वल्स टू वी बाय आर ठीक है तो यहाँ पे वोल्टेज कौन सी लगेगी जो सी और बी के बीच में है ठीक है और रेसिस्टेंस कौन सी लगेगी जो सी और बी के बीच में ठीक है थीके? तो वी बी सी तो हमने मतलब वी बी सी तो हमने अभी कैलकुलेट किया था विच इज दिस वन माइनस सिक्स वोल्ट है ठीक है तो कैलकुलेशन के लिए हम इसका माइनस साइनस इसका ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे हमने वोल्टेज लिख दिया सिक्स वोल्ट और इसमें रेसिस्टेंस कितनी थी क्योंकि सी के नीचे कितनी बची थी हमारी थ्री ओम क्योंकि हाफ पोर्शन था वो मिड पॉइंट था तो ये इक्वल टू कितना हो गया थ्री टू जो सिक्स तो यानी कि टू एम्पियर आई सी बी यानी कि करंट इन द पोर्शन सी टू बी इज टू एम और डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया था डायरेक्शन क्या होता है करंट का पॉजिटिव टू नेगेटिव ग्राउंड जो है यानी सी पॉइंट जो है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि ये वाला बी वाला जो हिस्सा है ये वैसे भी नेगेटिव साइड से ही कनेक्टेड है आपका ठीक है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी सी टू बी द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम सी टू बी तो इस तरीके से हमने ये पूरा आपका देख लिया कि क्या क्या मतलब किस तरीके से आप सर्किट के अंदर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं ये पूरी कैलकुलेशन इन दिस सर्किट तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल uh, रहा होगा और आपको ये समझ में आया होगा बजाय के रटने के तो थैंक्स अल लॉट बाय